का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह। एक आम इंसान की सोच ही उसे औरों से अलग बनाती है। प्रतिमा वर्मा की कहानी हमें यही बताती है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से एक स्वच्छाग्रही बनी प्रतिमा निष्ठा और समर्पण की एक मिसाल है। 9 साल की नौकरी में मैंने बच्चों और महिलाओं पे ही काम किया। चाहे जितना पोषण दे दे महिलाओं को, लेकिन जब तक हमें इनके आसपास का वातावरण साफ नहीं रखेंगे, तब तक ये स्वस्थ नहीं रहेंगे। क्योंकि बच्चे जन्म पृथ्वी पर आने से पहले, जन्म लेने से पहले पेट में ही कुपोषित हो जाए। मैं ठेस पहुंचा कि मैं महिलाओं पे और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पे ही काम कर रही हूँ, लेकिन नहीं उनको स्वस्थ कर पा रही हूँ। ट्रेनिंग के पहले दिन मुझे समझ में आया कि ये जो खुले में शौच की कुप्रथा है, ये कितनी बड़ी महामारी है। पीढ़ी दर पीढ़ी चल आ रही प्रथा है, इसको इतनी आसानी से मिटाना संभव नहीं। ग्रामीण परिवेश से होने के बावजूद उन्हें अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला और उन्हें अपने सपने तक पहुंचने में मदद की। इस तरीके से जब मैं इस बीमारी की जड़ को ही खत्म कर दूं, तो अपने आप ही बच्चे पोषित होने लगेंगे। स्टेट रिसोर्स ग्रुप ज्वाइन करने के बाद लगभग 700 स्वच्छाग्रही तैयार किए, लगभग 2000 शौचालय मोटिवेट करके लोगों को बनवाए। धीरे 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 लोगों में परिवर्तन आया। खुले में शौच मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी लाखों जाने हम बचा रहे हैं। प्रदेश को चाहिए ऐसे ही स्वच्छता के सिकंदर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर।